सभी को नमस्कार। मेरा नाम के मंजुला सियाटी कोंडापाक। आज हम संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि का अर्थ है मिलना। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। यहाँ विद्या शब्द का आ वर्ण और आलय शब्द के आ वर्णों में संधि होकर आ बना है। संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जैसे हिमालय हिम जमा आलय। परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर व्यंजन और विसर्ग होते हैं, अतः इनके परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर व्यंजन और विसर्ग होते हैं, अतः इनके आधार पर ही संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहां दो स्वरों को परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार के होते हैं, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। गुण स्वर संधि नियम यदि आ या आ के बाद यी या ई, ऊ या ऊ और रु आए तो दोनों मिलकर क्रमांशः ए ओ और अर हो जाते हैं। उदाहरण राजा जमा इंद्र राजेंद्र, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। दीर्घ स्वर संधि नियम दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ आ ई ई उ उ और रु के बाद वे ही हस या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमांश आ ई उ रु हो जाते हैं। उदाहरण गिरि जमा ईश गिरीश, बानो जमा उदय बानुदय। वृद्धि स्वर संधि नियम यदि आ या आ के बाद ये या आई आए तो दोनों के स्थान में आई तथा वो या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। उदाहरण सदा जमा एव सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महाऐश्वर्य। यण स्वर संधि नियम यदि ई ई उ उ और रु के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का या उ उ का वा और रु का र हो जाता है। उदाहरण अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक, प्रति जमा एक प्रत्येक। या आयादि स्वर संधि नियम यदि ए आई ओ आउ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो का ए का आई गा ओ का आउ और गा आउ का आउ हो जाता है। उदाहरण पो जिमा अन पवन धातु जिमा इक धात्विक। अगले सेक्शन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।